नमस्कार, मैं शेफ कालू सिंह गुजर और एक सैलेड में नया सैलेड लेके आ रहे हैं कोल्ड सेक्शन से। कल भी हमने एक सैलेड लेके आए थे जिसका नाम कोसलो सैलेड है। आज और एक नया सैलेड लेके आ रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर है। टाइप्स ऑफ आप यूज करते हो, टाइप्स ऑफ आप बनाते हो। सैलेड का नाम दिया है हमने आज किमची सैलेड, यानी कि हाउ टू मेक किमची सैलेड, कैसे बनाना है, क्या क्या प्रिपरेशन होता है उसकी। तो मैं सबसे पहले आपको प्रिपरेशन बता देता हूँ। सैलेड बेसिकली ओरिएंटल से है, यानी कि चाइनीज़ सैलेड है, ओरिएंटल सैलेड जिसको बोलेंगे हम। ये हमारा पत्ता गोभी है, उसको हमने इस तरीके से कट किया है, पत्ता गोभी इन द सेंस की कैबेज को हमने इस तरीके से कट किया। उसके बाद कैबेज के बाद आपको क्या होना चाहिए, यानी कि जो हमारा चाइनीज़ में यूज होता है, सबसे पहले चिल्ली पेस्ट, यानी कि जो रेड चिल्ली ऑल से आप जो बनाते हो पेस्ट, वो चिल्ली पेस्ट होना चाहिए। हल्का सा आप स्वीट चिल्ली भी यूज कर सकते हो, टमाटो केचप और स्वीट चिल्ली आपको थोड़ा थोड़ा यूज करना है। उसके बाद ये आपका बेस है, जो सिसमी सीड जिसको वाइट तिल बोलेंगे हम लोग, ये वाइट सॉल्ट हो गया आपका। ये आपका स्प्रिंग ऑनियन हो गया जिसको हरा प्याज बोलेंगे हम, ये आरोमेट यानी कि चाइनीज़ सीजनिंग हो गया। थोड़ा सा इसमें आपका ये ब्लैक पेपर भी जाएगा, क्रस वाला ब्लैक पेपर। उसके बाद ये लास्ट में आपका ये सीसमी ऑयल है, सीसमी ऑयल इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। तो आप बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने बनाना है, यानी कि हाउ टू मेक किमची सैलेड। मैंने आपको सारी प्रिपरेशन बता दी है, उसके बाद आपको कैसे प्रिपेयर करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखना है आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम ड्रेसिंग बनाएंगे, यानी कि ड्रेसिंग यानी कि इसको किस तरीके से मिक्स करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हल्का सा चिल्ली पेस्ट लोगे, स्पाइसी रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद आपका ये टमाटो केचप लोगे, टमाटो केचप का जितना आपने टमाटो केचप लिया उतना ही आपको चिल्ली स्वीट चिल्ली लेना है। उसके बाद ये आपका सिसमी सीड हो गया, सिसमी सीड भी आपको उतनी क्वांटिटी में लेना है जितना क्वांटिटी में आप सैलेड बना रहे हो। हल्का सा वाइट सॉल्ट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ये आपका आरोमेट हो गया, और लास्ट में ये आपका ये सिसमी ऑयल हो गया। उसके बाद क्या करना है, सारी ये यानी कि जिसको हम ड्रेसिंग बोलेंगे, यानी कि किमची सैलेड की ड्रेसिंग इस तरीके से बनानी है। ये ऐसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है आपको ड्रेसिंग। उसके बाद क्या करना है, आपका ये जो पत्ता गोभी कटा हुआ है आपको, जो मैंने दिखाया था, यानी कि कैबेज जो कटा हुआ है, उसको इसमें मिक्स कर देना है। ये इस तरीके से ये हमने मिक्स कर दिया है इसमें, ये इस तरीके से प्रॉपर मिक्स कर देना है। साथ में जो मैंने आपको बताया था, यानी कि ये जो हमारा स्प्रिंग ऑनियन है, ये हमारा स्प्रिंग ऑनियन है, ये इस तरीके से ये हो गया। थोड़ा हमने स्प्रिंग ऑनियन टच कर देना है इसी में। बाद क्या करना है आपको, ये इस तरीके से मिक्स कर देना है। जैसे ही ये इस तरीके से मिक्स कर देना है, उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट में आपको क्या करना है, हल्का सा यानी कि थोड़ा सा आप इसमें कुकिंग वाइन जो होता है आप वो भी यूज कर सकते हो उस बेस पे। और ये लास्ट में आपका थोड़ा सा कैसे प्रेजेंट करना है आप इस तरीके से बना सकते हो। मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी सैलेड है आपका हाइट में रहेगा, सारे सैलेड्स जितने भी सैलेड होंगे आपका प्री प्लेट होगा। तो ये हमने इस तरीके से लगाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किमची सैलेड कैसे लगाना है। ये कुकुम्बर यूज़ करोगे, जो कि इस तरीके से कट करना है आपको, पहले स्लाइस में कट कर लेना है ये इस तरीके से, जैसे मैं अभी कट कर रहा हूँ। और इसको क्या करना है, 1/2 कर लेना है, ये ऐसे 1/2 यानी कि बीच से 2 कर लेना है इसको। उसके बाद क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो सिसमी सीड्स है वो सबसे पहले सिसमी सीड डालना है, यानी कि ऑन टॉपिंग पे। और ये स्प्रिंग ऑनियन भी आपको ऑन टॉपिंग यूज़ करना है इस तरीके से। और साइड से आपका ये जो हमारा कुकुम्बर है, यानी कि इंग्लिश का कुकुम्बर जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसे इस तरीके से यूज़ करोगे आप, और इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो आप, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इजी वे में आप लोग बना सकते हो, इजी वे से आप तैयार कर सकते हो, आप प्री प्लेट कर सकते हो जिसको हम बोलेंगे। तो ये इस तरीके से
आप प्रेजेंट कर सकते हो इसको, जिसको हम किमची सैलेड बोलेंगे। किमची सैलेड आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, और भी कहीं भी ऐसा आपको कहीं डाउट लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हो। और उसके साथ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे नंबर हैं, वहाँ पे आप मेरे को कॉल करके बता सकते हो। तो इसके लिए आप इजी वे में, इजी रेसिपी से, ये जो आपका कोल्ड सेक्शन से जो सैलेड है, यानी कि ओरिएंटल सैलेड है, जिसको हम किमची सैलेड बोलेंगे, यानी कि हाउ टू मेक किमची सैलेड, कैसे बनाना है, तो ऐसे इस तरीके से, इस प्रिपरेशन से आप किमची सैलेड बना सकते हो। बनाने के साथ साथ आप इंजॉय कर सकते हो। इंजॉय के साथ साथ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें और इंजॉय करें। थैंक यू सो मच।